फखरुद्दीन अजमल, श्रीमती पूनम मैडम, टू लेंगे, दो लेंगे आज। तो स्थानीय युवाओं को तथा पूर्वांचल के धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का अवसर दिया। क्या बोलूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि हमारे देश के किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एवं उनकी आय 2022 तक दुगना करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी निष्ठापूर्वक प्रयत्नशील है, जिसके चलते हमारे देश में सरकार के द्वारा 2014 से बहुत सारी किसान कल्याणकारी योजनाएं भी घोषित हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एवं गुजरात सरकार, जिस राज्य से मैं आती हूँ, के निष्ठापूर्वक प्रयासों के बावजूद किसानों को हर दिशा में लाभ पहुंचाने के लिए कार्यरत होने के बावजूद भी, अगर मैं केवल अपने क्षेत्र की बात करूं तो किसानों में आज भी मुआवजे को लेकर बहुत ही ज्यादा असंतोष दिखाई दे रहा है। सरकार के इतने निष्ठापूर्ण प्रयत्नों के बावजूद बीमा कंपनियां कहीं अपनी मनमानी की वजह से किसानों को आज भी उनका अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहा और ना ही बीमा कंपनी उनका अधिकार उन्हें देना चाहती। महोदय, हमारी सरकार की फसल बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को बारिश, बाढ़, सूखे आदि के कारण फसल में होने वाले नुकसान की देयता से बचाना था, लेकिन बीमा कंपनियों के सहयोग की कमी के कारण एवं नियम अनुसार निरीक्षण न करने की वजह से और सही दिशा में नुकसान का आकलन ना करने से किसानों को अपना अधिकार आज भी नहीं मिल पा रहा है। आपके माध्यम से सरकार एवं माननीय कृषि मंत्री श्री से मैं नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि बीमा कंपनियों की मनमानी से एवं केवल अपने की लाभ वाली नीति से कहीं सरकार ने नियंत्रण लाना चाहिए और जिन जिन राज्यों में किसानों को नुकसान हो रहा है उसमें केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त कमिटी का गठन कर उसके माध्यम से निरीक्षण हो और बीमा कंपनियों को किसानों को मुआवजा देने का आदेश दिया जाए, जिससे कि बीमा कंपनियों की मनमानी न चल पाए, क्योंकि जितना बड़ा पैकेज राज्य, केंद्र सरकार और प्रीमियम के माध्यम से बीमा कंपनियों को प्राप्त होता है, उतनी ही रकम अगर सीधे सीधे किसानों के नुकसान के लिए किसानों को दी जाए तो उनका नुकसान कहीं उनकी नुकसानी की भरपाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, बीमा कंपनियों का जो एकाधिकार इस क्षेत्र में चल रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए सीधे या तो मुआवजा किसानों को दे दिया जाए या तो कमिटी का गठन हो, तभी हम कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी 2022 तक की अध्यक्ष लेकिन